राजस्थान के परिक्षेप में जो शुष्कर से उसका महत्व तो पढ़ रहे थे, है ना। ठीक है, तो इसमें आपके जो नेक्स्ट पॉइंट था वो फसल संबंधी कारण, मतलब फसल संबंधी ऐसे कौन से कारण है जिसके द्वारा अपने को जो शुष्क खेती है उसमें बढ़ावा दे सकते हैं ना। देखो, कल अपने जलवायु और मृदा संबंधी पढ़ा था, आज है फसल संबंधी कारण। ठीक है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, देखो फसल एक तो अपन बोई करते हैं ना फसलों की, तो फसलों की जो क्या बोलते हैं उसको ड्यूरेशन होता है ना, टाइम पीरियड होता है ना, मतलब फसल कब किस टाइम स्टार्ट होकर किस टाइम तक एंड होती है ना, तो वो सारे का सारा डिपेंड करता है भाई कि अगर अपन शुष्क क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, है ना, अगर शुष्क क्षेत्र में खेती कर रहे हैं तो अपने को जो फसल का टाइम पीरियड है वो कम रखना पड़ेगा, है ना। अगर टाइम पीरियड कम नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो अपने नुकसान है वो अधिक होगा, क्योंकि अगर थोड़े समय में कम समय में फसल पक जाती है तो नुकसान होने के चांसेज कम रहते हैं। ठीक है, एक तो कम अवधि वाली फसल लगाएंगे, ठीक है, दूसरा जो पौध संरक्षण है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है ना, नमी संरक्षण है, पौध संरक्षण है, ठीक है, क्योंकि जो पौध मतलब जो नर्सरी तैयार करते हैं उसमें कई बार क्या होता है छोटे मोटी बीमारी वगैरह आ जाती है, ऑब्जेक्टिव वगैरह। ठीक है, तो इसमें जो फसल संबंधी कारण है उसमें एक तो यही है कि जो किसानों को कम अवधि वाली फसल प्राप्त करवाना, है ना, दूसरी जो कम जल मांग वाली फसलें होती है, जो जल मांग होते हैं ना, जल मांग अपने पिछले लेसन में पढ़ा था जल मांग क्या होता है ना, तो जो कम जल मांग वाली फसल है वो रिकमेंडेड करना। ठीक है, दूसरी जो शुष्क कृषि है उसकी तकनीक देकर पौधों की पैदावार बढ़ाना, ये सारा का सारा फसल प्रबंधन संबंधी कारण में आता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे शुष्क कृषि के सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या है, ऐसे कौन से सिद्धांत है जो शुष्क खेती में अपने को अपनाने चाहिए, है ना, जिसके द्वारा अपन शुष्क खेती को प्रभावी तरीके से या फिर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं शुष्क खेती में, है ना। ठीक है, देखो इसमें आपके एक नंबर जो सिद्धांत है वो नमी संरक्षण का सिद्धांत है ना, नमी का संरक्षण अपन किस प्रकार से करें कि पौधों में अधिक से अधिक उत्पादन हो, है ना। नमी का देखो, जैसे बारिश होगी तो एक एक बूंद है वो अपने उपयोग में आनी चाहिए, देखो शुष्क खेती तो यही कहती है कि जो एक एक जल की बूंद है वो पौधे की वृद्धि के लिए काम में आनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसके लिए देखो अपन क्या क्या कर सकते हैं, है ना, नमी संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि नमी संरक्षण अगर टोटल की टोटल अपना जो जल है वो यूज में आ रहा है, कुछ तो ऐसा बहुत सारा जल ऐसा है जो वेस्टेज चला जाता है ना। ठीक है, तो इसके लिए नमी संरक्षण के लिए अपने क्या क्या उपयोग है कर सकते हैं वो इसमें देखेंगे। ठीक है, देखो इसमें आपके दे रखा एक नंबर पॉइंट है मृदा जल धारण क्षमता बढ़ाना, है ना। देखो मृदा की जल धारण क्षमता अपन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक तो देखो जो रबी की फसल है, अपने रबी की फसल देखो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होकर मार्च अप्रैल तक चलती है ना, मार्च अप्रैल में क्या करेंगे, जैसे ही रबी की फसल अपने कट जाती है, कटने के बाद में खेत में गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद में खेत में क्या करेंगे, अपना कार्बनिक खाद डाल देंगे, जैसे कार्बनिक खाद में आ गई अपनी गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ये सारी की सारी 8-10 टन प्रति हेक्टर की दर से 2-3 सालों में एक बार डालते रहेंगे। ठीक है, कार्बनिक खाद डालेंगे तो क्या होगा, मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, मृदा में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, मृदा में जल का सोखने की जो क्षमता है वह बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा है आपके दे रखा है मल्च का प्रयोग, देखो मल्च का प्रयोग अपन क्यों करते हैं, जो वाष्पीकरण के द्वारा हानि होती है ना उसके लिए अपन मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, मल्चिंग करते हैं। वाष्पीकरण है, देखो जल जो वाष्प के रूप में लॉस होता है उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब मल्च का प्रयोग देखो, और जो फसल का अवशेष है, सूखी पत्तियां हैं, सूखी घास है आदि से अपने ढक देते हैं। ठीक है, इन पदार्थों को जो ये सारी की सारी क्रिया करते हैं उसको, इस क्रिया को ही जैसे मृदा में देखो एक तो प्लास्टिक फिल्म हो सकती है, ये तो कॉस्टली ज़्यादा रहेगी, इसलिए जो अपने को इजी वे में करना है तो ये जो फसल अवशेष है, सूखी पत्तियां हैं, पौधे के अवशेष है, ये सारे के सारे अपन क्रिया कर सकते हैं या फिर अपने खेत में बिछा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं।